बाबे ने लंबा सा सांस लिया और बोला, काका तुम चाहते क्या हो? मैंने अर्ज किया, क्या आपको वाकई सोना बनाना आता है? बाबे ने खाली खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और हां में सर हिलाकर बोला, हां मैंने जवानी में सीखा था। मैंने अर्ज किया, क्या आप मुझे ये नुस्खा सिखा सकते हैं? बाबे ने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम सीख कर क्या करोगे? मैंने अर्ज किया, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। बाबे ने कहकह लगाया, वो हंसता रहा, देर तक हंसता रहा, यहां तक कि उसका दम टूट गया और उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते दोहरा हुआ और तकरीबन बेहाली के आलम में देर तक अपने ही पांव पर गिरा रहा। वो फिर खांसते खांसते सीधा हुआ और पूछा, तो तुम दौलतमंद होकर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं दुनिया भर की नेमतें खरीदूंगा। उसने पूछा, नेमतें खरीद कर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं खुश होऊंगा, मुझे सुकून मिलेगा। उसने तड़प कर मेरी तरफ देखा और कहा, गोया तुम्हें सोना और दौलत नहीं, सुकून और खुशी चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुझे झंझोड़ा और पूछा, क्या तुम दरअसल सुकून और खुशी की तलाश में हो? मैं उस वक्त नौजवान था और मैं दुनिया के हर नौजवान की तरह दौलत को खुशी और सुकून से ज्यादा अहमियत देता था। मगर बाबे ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था और मैंने इसी कंफ्यूजन में हां में सर हिला दिया। बाबे ने एक और लंबा कहकह लगाया और इस कहकह का एक इख्तिताम भी खांसी पर हुआ। वो दम संभालते हुए बोला, काका मैं तुम्हें सोने के बजाय इंसान को बंदा बनाने का तरीका क्यों न सिखा दूं? मैं तुम्हें दौलतमंद के बजाय पुरसुकून और खुश रहने का गुर क्यों न सिखा दूं? मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, इंसान की ख्वाहिशें जब तक उसके वजूद और उसकी उम्र से लंबी रहती हैं, ये उस वक्त तक इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपनी उम्र और अपने वजूद से छोटा कर लो, तुम खुशी भी पा जाओगे और सुकून भी। और जब खुशी और सुकून पा जाओगे तो इंसान से बंदे बन जाओगे। मुझे बाबे की बात समझ ना आई। बाबे ने मेरे चेहरे पर लिखी तशकीक पढ़ ली। वो बोला, तुम कुरान मजीद में पढ़ो, अल्लाह ताला ख्वाहिशों में लिथड़े लोगों को इंसान कहता है और अपनी मोहब्बत में रंगे ख्वाहिशों से आजाद लोगों को बंदा। बाबे ने इसके बाद कामरान की बारादरी की तरफ इशारा किया और बोला, इसको बनाने वाला भी इंसान था, वो अपनी उम्र से लंबी और मजबूत इमारत बनाने के खप्त में मुब्तला था। वो पूरी जिंदगी दौलत भी जमा करता रहा मगर इस दौलत और इमारत ने उसे सुकून और खुशी न दी। खुश मैं हूं इस दौलतमंद की गिरी पड़ी बारादरी में बरसती बारिश में बेअमान बैठकर। मैंने बेसब्री से कहा, और मैं भी। उसने कहकह लगाया और जवाब दिया, नहीं तुम नहीं। तुम जब तक तांबे को सोना बनाने का खप्त पालते रहोगे, तुम उस वक्त तक खुशी से दूर भटकते रहोगे, तुम उस वक्त तक सुकून से दूर रहोगे। बाबे ने उसके बाद जमीन से छोटी सी टहनी तोड़ी और फर्श पर रगड़कर बोला, लो मैं तुम्हें इंसान को बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूं। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे न निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस न करो। जो मांग ले उसको दे दो, जो भूल जाए उसे भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे, बेसामान वापस जाओगे। सामान जमा न करो, हुजूम से परहेज करो, तन्हाई को साथी बनाओ। मुफ्ती हो तब भी फतवा जारी ना करो, जिसे खुदा ढील दे रहा हो उसका कभी एहतसाब ना करो। बिला जरूरत सच फसाद होता है, कोई पूछे तो सच बोलो, न पूछे तो चुप रहो। लोग लज्जत होते हैं और दुनिया की तमाम लज्जतों का अंजाम बुरा होता है। जिंदगी में जब खुशी और सुकून कम हो जाए तो सैर पर निकल जाओ, तुम्हें रास्ते में सुकून भी मिलेगा और खुशी भी।
देने में खुशी है, वसूल करने में गम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे, चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे। साधु में बैठोगे तो अंदर का साधु जाग जाएगा, अल्लाह राजी रहेगा तो जग राजी रहेगा, वो नाराज होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। तुम जब अजीजों, रिश्तेदारों, औलाद और दोस्तों से चिढ़ने लगो तो जान लो अल्लाह तुमसे नाराज है। और जब तुम अपने दिल में दुश्मनों के लिए रहम महसूस करने लगो तो समझ लो तुम्हारा खालिक तुमसे राजी है, और हिजरत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। बाबे ने एक लंबी सांस ली, उसने मेरी छतरी खोली, मेरे सर पर रखी और फरमाया, जाओ तुम पर रहमतों की ये छतरी आखिरी सांस तक रहेगी, बस एक चीज का ध्यान रखना, किसी को खुद न छोड़ना, दूसरे को फैसला करने का मौका देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता, मखलूक अल्लाह को छोड़ती है। और ध्यान रखना, जो जा रहा हो उसे जाने देना, मगर जो वापस आ रहा हो उस पर कभी अपना दरवाजा बंद न करना, ये भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह वापस आने वालों के लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखता है, तुम ये करते रहना, तुम्हारे दरवाजे पर मेला लगा रहेगा।